बसंत की बर्फ भूखे पोलर बेयर्स के लिए एकदम परफेक्ट होती है। उसी समय में भालू आने वाले साल के लिए शिकार का एक नया साइकिल शुरू करते हैं। ये पैक आइस को सील्स का शिकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करते हैं। किसी आम साल के दौरान भालुओं को कई तरह की आर्कटिक सील्स मिल जाती हैं, लेकिन विंड सील्स उनकी पहली पसंद है और सबसे ज्यादा तादाद में भी वही मिलती है। बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है बर्फ पर से नीचे उतर जाना। बियर्डेड सील्स में भालुओं को ज्यादा फैट मिलता है, लेकिन इन्हें पकड़ना भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये ठंडे आर्कटिक सी में रहती हैं और बहुत थोड़े समय के लिए ही पैक आइस का इस्तेमाल करती हैं। ज्यादातर सील्स काफी चालाक और तेज रफ्तार होती हैं और खुद पर होने वाले 98% हमलों में वो बच निकलती हैं। ये बेहद चौकन्नी रहने के लिए अपने विस्कस का इस्तेमाल करती हैं। इनके ब्रिसल्स इनके आसपास होने वाली वाइब्रेशंस का पता लगा लेते हैं। लेकिन पोलर बेयर्स के पास भी कुछ तरकीबें मौजूद हैं। अपने सूंघने की कमाल की काबिलियत के बल पर ये शिकार का पता लगा लेते हैं। ये बर्फ पर कई किलोमीटर दूर मौजूद किसी सील की गंध भी पा लेते हैं। शिकार के नजदीक पहुंचने के बाद ये पैक आइस को तोड़ते हैं और जब भालू को अपना टारगेट मिल जाता है तो फिर पलक झपकते ही खेल खत्म हो जाता है। कभी कभी बर्फ के ऊपर इंतजार काफी मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन भालुओं में धीरज की कमी नहीं होती। जब कोई अनजान सील किसी ब्रीदिंग होल पर नजर आती है तो ये झटपट उसके सिर को काटते हैं। लेकिन इस साल हालात बदले हुए हैं। आर्कटिक सील्स को अपने आशियाने बनाने और आराम करते वक्त अपने वजन को सपोर्ट करने के लिए मोटी और तैरती हुई पैक आइस चाहिए। पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ते जाने से पैक आइस नहीं बन पा रही है और अगर बर्फ नहीं तो सील्स भी नहीं। पोलर बेयर को हर हफ्ते 13 किलो से ज्यादा फैट खाने की जरूरत होती है, तो वो इस वजह से पूरी खुराक नहीं ले पा रहा है और बिना खुराक के ये फीमेल इस बेरहम आर्कटिक का एक और शिकार बन जाएगी। करीब 12,900 किलोमीटर दूर अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर मौजूद थोड़े गर्म टेम्परेचर वाले समुद्र में सील्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन सतह के नीचे एक बहुत बड़ा जीव अपने लिए मौके का इंतजार कर रहा है। अटलांटिक में एक पथरीला और बड़ा सा सील आइलैंड है जिसके किनारे पर 65,000 तक केप फॉर सील्स मिलती है। यहां से थोड़ी ही दूरी पर फॉल्स बे में मौजूद है बोल्डर्स बीच। सील्स अपनी खुराक ढूंढने के लिए इन दो सेंचुरीज के बीच मौजूद 5 किलोमीटर में फैले इस इलाके का इस्तेमाल करती हैं।